नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो आईबी यूनिवर्सिटी ने एक लेटेस्ट नोटिस निकाला है रिगार्डिंग स्पॉट राउंड 2। ठीक है, तो उस नोटिस के अंदर क्या लिखा है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा कुछ बच्चों का मतलब ये डाउट है, क्या भैया हमको अगेन पे करने हैं 500 रुपए। सो वो डाउट भी इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों ने स्पॉट राउंड 1 के अंदर 500 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए थे, उन लोगों का स्पॉट राउंड 2 के अंदर कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा है पोर्टल के ऊपर कि हाँ आपको 500 रुपये अगेन पे करने हैं। तो हाँ बिल्कुल, आईपी यूनिवर्सिटी ने नोटिस में लिखा था कि आपको अगेन पे करने हैं 500, बट ऐसा कुछ भी है नहीं। ठीक है, सो जितने बच्चों ने स्पॉट राउंड 1 के अंदर 500 रुपये भर दिए थे, वो लोग टेंशन मत लो। आप लोगों का अगर पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है 500 रुपये अगेन पे करने का, तो आप लोग ऑलरेडी स्पॉट राउंड 2 के अंदर जा चुके हो। सेकंड बात ये है, हमारा जो आईपी यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट नोटिस आया रिगार्डिंग 22 कोर्सेज, उसके अंदर 22 कोर्सेज की काउंसलिंग एक साथ चल रही है। तो स्पॉट राउंड 2 के रिगार्डिंग ये नोटिस है, इसमें लिखा यह आईपी यूनिवर्सिटी ने कि अगर आप लोगों ने स्पॉट राउंड 1 के अंदर कोई भी चॉइस फिलिंग करी थी, फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को एकदम फ्रेश चॉइसेस बननी पड़ेगी। बट अगर आप पहले के कैंडिडेट हैं, मतलब आप स्पॉट राउंड 1 के बाद आप स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने 500 रुपये तो भरने नहीं है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। सेकंड थिंग ये कि अब आप लोगों की जो चॉइसेस थी ना स्पॉट राउंड 1 की, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे क्या भैया हम लोग मॉडिफाई कर पाएंगे, ऐड डिलीट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाओगे। इसी के साथ साथ स्पॉट राउंड 1 की आपकी जितनी भी चॉइसेस होंगी उनको नल एंड वाइट कर दिया गया है। तो उसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया गया है कि अब आपकी जितनी भी पहले की काउंसलिंग की मतलब वो थी ना, जितनी भी चॉइसेस थी उनको हटा के आप लोगों को स्पॉट राउंड 2 के लिए एकदम फ्रेश जितनी भी होंगी मतलब चॉइसेस आपको एकदम फ्रेश बननी है। और बाकी चॉइस फिलिंग के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को दिए हुए नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो कॉल्स पिक करना मुश्किल है। व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके क्वेरी का आंसर जरूर करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।